वो कहा जा रहा है कि ठेकेदार, वो केवल ठेकेदार बताया जा रहा है कि जो पंजाब का रहने वाला है लेकिन अब वो जम्मू में रहता है, वो घर आके इनके पति को ले गया था काम करी। और निके निके बच्चे बोलते पापा से बात करनी। बच्चे दो, कितने बच्चे? दो बच्चे दो गए। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह, मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सप्लाई मोड पर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ एक परिवार है और ये पंचैरी के बदोत्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं देखें तो ये परिवार काफ़ी समस्या इनके साथ जूझ रही है और ये काफ़ी दिक्कत में है, परेशानी में है ये लोग। मैं फिर आपको बता दूं कि ये तीन महिलाएं हैं, इनमें से जो एक महिला सीमा देवी, जो कि जिनका पति तिलकराज पिछले एक महीने से लापता है, वो घर से वो काम करने के लिए निकले थे और वो कहा जा रहा है कि ठेकेदार, वो केवल ठेकेदार बताया जा रहा है कि जो पंजाब का रहने वाला है लेकिन अब वो जम्मू में रहता है, वो घर आके इनके पति को ले गया था काम के लिए लेकिन पिछले एक महीने से वो घर नहीं लौटा। मैं खुद इनसे बात करना चाहूँगा, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर वो क्या काम करते थे और किसके साथ गए हैं। के ना थोड़ा अपना नाम सुनाओ। शिल्मा देवी। शिल्मा देवी, कदों दे गए थे थोड़े घर वाले? महीना को गए। एक महीना हुई तुसे फोन शोन किया, कोई पता लग्या? नहीं चुकते हैं फोन। नहीं चुकते? नहीं। ते जड़ा ठेकेदार दा के ना है केवल? हाँ केवल। ओ जल्दी उसी फोन करने को करता सोचा आप नोड़े आवाज़े? हाँ सोचा आप सारे सोचा आप आए तो तुसे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवाई? हाँ कराई है। करवाई दी है? ते तुस की आखना चाहने? के अपील करे हुन? करी और निके निके बच्चे बोलते पापा से बात करनी। ये बच्चे दो, कितने बच्चे? दो बच्चे दो गए। देखिए जिस तरह से ये महिला रो के बता रही है कि पहले मैं आपको कैमरे पे उनकी फ़ोटो बता दूं, इनके पति की, तिलकराज की। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये फ़ोटो दिखाएं, कि ये फ़ोटो है, ये तिलकराज जी हैं और इनकी उम्र 36 साल बताई जा रही है और पिछले एक महीने से घर से ये लापता है। ये तिलकराज जी हैं और इनकी उम्र 36 साल बताई जा रही है और दर दर की ये महिला ठोकरें खा रही है। इनके साथ और भी महिलाएं आई हुई हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि ना थोड़ा किना आया? चंचला देवी। चंचला थोड़ा क्या लग रहा है? ये भरा है तिलकराज थोड़ा भरा? हाँ जी हाँ जी। किन्ना चिर गल सुनाओ पूरी, भला के ये महाराज इन्हें ठगी ठगी नाता के साढ़े को बड़ा काम है जी, आइया। जो केबल ठेकेदार है तो जो परिवार है कुड़ी है जी, वो 24 घंटे फोन कर दी कि आइया साढ़े को बड़ा काम है, अस ठेकेदार हाँ। तो वो लेइए ये फोन करता रहा, दोपहर भी करना, शामी भी करना, रोज़ फोन करता रहा, बच्चे कन्नै गल करता रहा। हाँ जी, ये पंजाब का इस जम्मू नागमणी जो घर बना दा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो उल्टी धमकी दी कुड़ी कि वह आखिरी असें तेरे बच्चे भी ले जाने ते तू जिथे मर्जी रहो, सोहरे रहो, प्योके रहो, असें उत्थे ले जाने बच्चे भी। हुन तुस फोन करने दे के जवाब दिंदा है? कोई जवाब नहीं। हुन सोचा फोन जी? सोचा? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ। सारे सुच ऑफ होगा, दबारे तीन नंबर साढ़े को त्रोए जेड़े सुच ऑफ न। किन्ना चिर होइया घर निकले? एक महीना। इन्हें महीना हो गया ते अज पूरे 7 दिन होए जेड़ा कोई फोन नहीं है, सुच ऑफ सारे दे। पहले फोन आवा दे? हाँ जी हाँ जी। 7 दिन दे सुच ऑफ? 7 दिन दे जेड़े सुच ऑफ करी बैठे दे। हुन तुसे कुसी कदो कने गल कीती ते पुलिस स्टेशन रिपोर्ट सपोर्ट? असे महाराज इत्थे उधमपुर जेड़ी थाने असे रिपोर्ट दे चुके दे के ला पता है, ए नहीं असे पता के उन्हें कुत्थे गायब कीता दा, के कीता दा है उसी, के ए नहीं पता के ए भी जाने ही है, वो ठेकेदार की पता होना है के कुत्थे रखे दा उन्हें। दे अस इस वास्ते के रिक्वेस्ट करने, जे एंड के पुलिस है, कठुआ पुलिस है, कोई भी पुलिस है, अगर उसी पकड़ो, साढ़े सेवादार न, साढ़ी जेड़ी पुलिस है वो सेवादार न, ते अगर वो पकड़ी सकदे तो असें फोन करो ते अस उत्थे आइए ते ले सकने उसी। हाँ जी। ते मेरा नाम चंचला देवी है सर। ये बच्चे दो निके निके, ये कौन पालने? रुट्टी नहीं अंदर खानी, खर्चा नहीं, लाड़ी बीमार, ते आऊं थोड़ी पाल सकनी, आऊं नहीं पाली सकती सर। ते ए हाल इंदा, उन्हें ठगी ठगी देना था, लगे आखना महाराज साढ़े कोल बहुत कम है जी, बहुत कम है। ते अज हफ्ता हुई है ना फोन देने, कोई किश कोई चीज़ नहीं। देखिए ये तिलकराज की ये बहन है चंचला देवी जी, लेकिन इनका कहना था कि पहले फ़ोन आ रहे थे, पिछले 7 दिन से फ़ोन बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ना ठेकेदार फ़ोन उठाता है और ना इनके पति का, इनके भाई का जो नंबर था तिलकराज जी का, वो भी नंबर बंद है। तीन फ़ोन बताए जा रहे हैं, तीनों के तीनों स्विच ऑफ हैं। मैंने भी अभी एक फ़ोन किया लेकिन मेरा भी वही स्विच ऑफ आया उनका, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो वो एक महीने से घर से लापता है
और यही कहा जा रहा है कि वो आ जाएगा, लेकिन पिछले 7 दिन से अब बिल्कुल फ़ोन भी बंद हो चुके हैं, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं। लेकिन इनकी ओर से उधमपुर पुलिस स्टेशन में भी, ये रहने वाले पंचारी के हैं, लेकिन उधमपुर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और उधमपुर अधिकारी हैं जो SHO हैं उनकी ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि इनके पति को ढूंढा जाएगा और इनके हवाले किया जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूँ कि ये फैमिली, उनकी धर्मपत्नी है जो, 2 बच्चे हैं इनके, और वो रो रो के उनका बुरा हाल है, वो रोए जा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि बच्चे जो बोलते हैं कि पापा से मिलना है, आखिर वो कहाँ लेकर जाए इन्हें। कहीं ना कहीं देखें तो पुलिस को भी अब चाहिए कि उन्हें व्यक्ति को, केवल को ढूंढा जाए, केवल से ही ये पता चल पाएगा, जो ठेकेदार कहता है अपने आप को कि वो बहुत बड़ा ठेकेदार है, पंजाब का ठेकेदार है, लेकिन जम्मू नागमणी में उसने मकान बना रखा है, वहीं पे उसे बुलाया गया तो उसके बाद इनका पति लौट के वापस नहीं आया। लेकिन अब ये देखना है कि पुलिस कब तक उसको ढूंढती है और इन लोगों के हवाले किया जाता है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।